दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मॉड्यूलर किचन का डिज़ाइन। बहुत ज़बरदस्त किचन जो है वो बनी हुई है दोस्तों। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, कितना इसका खर्च आता है, इस तरीके की अगर आप किचन बनाना चाहते हैं तो किस तरीके कितना आपका खर्च आएगा और किस किस तरीके से आप जो है किचन को डिज़ाइन करा सकते हैं। तो पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा इस किचन का जो गेट है, इसको आप टफन से भी जो है वो कवर कर सकते हैं या फ्री भी जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये किचन का जो है वो डिज़ाइन है। और पहले एक बार मैं आपको पूरा टूर जो है वो इस किचन का करा देता हूँ, उसके बाद स्टेप बाई स्टेप हर वार्डरोब की जो है वो मैं जानकारी आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए हम नीचे की तरफ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे वाला कुछ एरिया इस तरीके का है। इसमें हमने दो कलर का जो है वो यूज़ किया है सनमाइका में, एक हमारी क्रीम कलर की है, दूसरी हमारी ऑरेंज में जो डार्क ऑरेंज है वो हमारा कलर है यहाँ पर। तो ये वाली डोर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये आपका कोई बड़ा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे आपके जो आटे वगैरह की टंकी वगैरह होती है तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो उसके लिए ये बड़ा खाना जो है यहाँ पर दिया गया है। और तीन दोस्तों बास्केट यहाँ पर दी गई है नीचे साइड में। और इसमें अंदर की तरफ आप देखिए दोस्तों, मॉड्यूलर किचन में जो भी मॉड्यूलर किचन होगी तो उनमें ये इस तरीके के आपको एल्यूमिनियम के जो चैनल हैं वो लगे मिलेंगे। तो ये चैनल कुछ इस तरीके से लगाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं पूरी अंदर की तरफ मैं आपको बिल्कुल क्लोजली दिखा रहा हूँ, अंदर के सनमाइका का आप देख सकते हैं, बाहर के आप देख सकते हैं। और इसमें जो है वो नीचे की तरफ एक और यहाँ पर हमने बास्केट जो है वो दी है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी आप अपना कोई बड़ा सामान जो है वो रख सकते हैं। और इसके अंदर आपने जो देखी ऊपर की पत्तियाँ वो भी एल्यूमिनियम की पत्तियाँ जो है वो लगी हुई हैं। और यहाँ पर फिर हमने एक और बास्केट हमारी आ जाती है, तो इसको आप देखें, ये आपका आ जाता है दोस्तों बोतल वगैरह रखने के लिए, कुछ मतलब जो लंबे सामान आपके होते हैं तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके लिए दो ड्रॉर आपकी जो है वो दी गई हैं, यहाँ पर दो शेल्फें बनाई गई हैं, तो वो देख सकते हैं आप। अंदर की तरफ जो है एलुमिनियम का चैनल लगा करके और इधर स्लाइडिंग वाला जो स्टील का चैनल यहाँ पर लगाया गया है, तो वो आप देख सकते हैं पूरा स्लाइड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपने किचन को जो है वो डिज़ाइन करा सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ आपको तीन जो बास्केट हैं वो और मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो कटलरी का कोई सामान है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, स्पून वगैरह कोई ऐसी चीज़ें जो होती हैं तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लोजली देखिए, ये जो चैनल लगे हुए हैं दोस्तों, ये प्लास्टिक इसको आप मेटल बोल सकते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का मिक्सचर होता है, तो ये मेटल टाइप में जो है वो आपका आ जाता है। तो इस तरीके के चैनल यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये हमारा ग्रे कलर में जो चैनल है वो दिया गया है। और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं जो पूरा शीट लगी हुई है, और बाहर से ऊपर की पट्टी भी आप देख सकते हैं। ये हमारी यहाँ पर सनमाइका जो है वो लगाई गई है, क्रीम कलर की सनमाइका यहाँ पर यूज़ की गई है। हैंडल आप देख सकते हैं, इनकी जो कॉस्ट आपकी जाती है वो 400-500 रुपए से लेकर के 800-900 रुपए तक की जो है वो कॉस्ट चली जाती है इन हैंडल की, जो हैंडल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ एक और वार्डरोब दी गई है, एक और ड्रॉर जो है वो दी गई है, जो जैसी आपने सेम ऊपर देखी वैसी ड्रॉर आपको एक नीचे भी यहाँ पर मिल जाती है। तो सेम एज इट इज़ आप अपना जो जैसे कि आपका कोई भी ज़रूरी सामान है तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं, अपने जो भी बर्तन वगैरह हैं, पॉट्स जो भी हैं आपके, तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको किचन की बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग दिखा रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अभी इसके नीचे एक और ड्रॉर हमारी जो है वो दी गई है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो नीचे वाली ड्रॉर भी आप देख सकते हैं, तीनों ड्रॉर जो है वो एक जैसी यहाँ पर बनाई गई हैं। तीनों में ऊपर की तरफ पत्तियाँ जो है वो दी गई हैं। और यहाँ पर आप अपने थोड़े कुछ बड़े बर्तन भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको अंदर की तरफ पुश करोगे तो दोस्तों बहुत आराम से जो है वो ये बंद होगा, तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत। उसके बाद आप देखें तो ये इस ड्रॉर को जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके दो ड्रॉर एक साथ में दिए गए हैं, जिनमें आपको दो खाने नीचे बने हुए मिल जाते हैं। और एक शेल्फ़ जो है वो आपकी प्लाई की जो है एक शेल्फ़ यहाँ पर मिल जाती है बोर्ड की, ठीक है। तो प्लाई बोर्ड की एक शेल्फ़ यहाँ पर दी गई है जिसमें दो खाने बनाए हुए हैं। और आप बिल्कुल क्लोजली देख सकते हैं दोस्तों, इन दोनों डोर में हमने हिंजिस जो है वो यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं। इनका दोस्तों काम ये होता है, जो साइड में आप हिंजिस लगे देख रहे हैं मैं आपको बिल्कुल क्लोजली दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं।
जैसे ही आप देखिए जो डोर को जल्द बंद करेंगे तो डोर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जाकर के नहीं लगेगा, बहुत आराम आराम से जो है वो बंद होगा। तो हिंचेज लगाने का आपका ये थोड़ा आपको फ़ायदा जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो मैं आपको ये खाना दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एक बड़ा सा खाना जो है वो बनाया गया है। इसमें आप अपने जो है वो वेस्टेज वेस्टेज नहीं मतलब ऐसा जो कि आपका कम यूज़ में सामान आता है तो वो यहाँ पर आप बड़ा सामान जो है वो रख सकते हैं। तो उसके लिए ये कुछ एरिया जो है बड़ा एरिया आपको दिया गया है। आगे आप देखिए जो आपका बेसिन है तो उसको छुपाने के लिए यहाँ पर दो डोर का जो है वो यूज़ किया गया है। सेम इसकी जो कॉम्बिनेशन देने के लिए तो यहाँ पर तीन डोर एक जैसे जो है दिए गए हैं। यहाँ पर ये है आपका दोस्तों जो डस्टबिन वगैरह आपका होता है तो वो किचन में किचन का कोई भी आपका डस्ट का सामान होता है तो वो यहाँ पर आप रख सकते हैं उस डस्टबिन में। और बेसिन को छुपाने के लिए देखिए आप देख सकते हैं सेम उसको सनमाइका जो है वो बोर्ड के साथ दी गई है। तो अंदर की तरफ वाली सनमाइका भी आप देख सकते हैं और बाहर वाली भी आप देख सकते हैं। और सभी जितने भी डोर हैं हमने सभी में हिंजेस का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप डोर को जल्दी से पुश करेंगे तो वो जल्दी से बंद नहीं होगा, बहुत आराम आराम से बंद होगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ पर अपने डोर में जो है वो देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये तो था दोस्तों नीचे का एरिया, देखिए सभी डोर्स में आप देख सकते हैं हिंजेस जो है वो लगे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने पूरा जो नीचे का एरिया है वो मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से बना हुआ है। और नीचे दोस्तों इसमें आपके जो रेडू होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, यानी अगर आप पूरा बॉक्सेस जो है वो निकालते हैं कभी कोई दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है, परेशानी आपको देखने को मिल जाती है तो वो आप बड़े आराम से ही अपनी जो ड्रॉअर बनाई हुई हैं तो उनको आराम से निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से जो है ठीक हो सकती हैं, यानी बिल्कुल फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर की तरफ आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डोर कुछ इस तरीके से ओपन होता है और इसमें हमने एक शीशे की जो शेल्फ है वो दी है, यहाँ पर बीच में शीशे की शेल्फ जो है वो दी गई है, ऊपर हिंजेस जो है वो लगे हुए हैं डोर में। और इस शेल्फ को रोकने के लिए एलुमिनियम की पत्ती का जो है वो एल पत्ती का इस्तेमाल किया गया है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये दोस्तों हाइड्रोलिक जो आपके शॉकर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये जो जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि जो आपके डोर हैं तो जब आप उनको ऊपर की तरफ खींचोगे तो तब भी ये आपके बहुत आराम से जो है वो खुलेंगे, और नीचे की तरफ आप जब पुश करोगे इनको तो शॉकर की वजह से ये जल्दी से मतलब जो है वो जा करके आपका नहीं लगेगा, बहुत आराम आराम से आप इसको बहुत आसानी से बंद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बंद करके भी दिखा रहा हूँ किस किस तरीके से जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। और दोनों डोर में जो है वो आपकी हिंजेज का जो है वो इस्तेमाल किया गया है और दोनों ही जगह हाइड्रोलिक जो आपका शॉकर है वो उसका इस्तेमाल किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी इस यहाँ पर पकड़ बनी रहती है, देखिए जब आप इसको पुश करेंगे तो बहुत आराम से जो है वो आपका डोर बंद होगा इस शॉकर की वजह से। तो वो मैं आपको बिल्कुल क्लोजली दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखते रहिए ये हमारा शॉकर है और जब आप इसको बंद करेंगे अंदर की तरफ देखिए हिंचेस का भी इस्तेमाल किया गया है तो वो भी मैंने क्लोजली आपको दिखा दिया, जब आप इसको बंद करते हैं तो देखिए बहुत आराम आराम से जो है वो आपका डोर बंद होगा। तो ये आपने देख लिया, इसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ। एक और यहाँ पर हमने चार बॉक्सेस जो है वो बनाए हुए हैं और यहाँ पर भी हमने दोस्तों जो आपके हाइड्रोलिक शॉकर हैं तो उनका इस्तेमाल जो है वो किया गया है तो वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस पूरी किचन को देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस किचन का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अगर आप वर्क कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राइस के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, प्राइस डिटेल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने जो भी डोर इस तरीके के बनाए हैं तो उनमें सभी में हाइड्रोलिक शॉकर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने नीचे देखा जो हमारी ऑरेंज कलर की सनमाइका लगी हुई थी, यहाँ पर क्रीम कलर की टोटली क्रीम कलर की जो एज़ डिमांड ऑन कस्टमर तो वो लगाई गई हैं वो आप देख सकते हैं। सभी हैंडल्स का जितने भी हैंडल्स हैं सभी का एक जैसा ही इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर इस डोर को आप देखिए, यहाँ पर हमारे दो खाने जो है वो दिए गए हैं। जैसा आपने पहले खाने में देखा तो उसमें हमारी शीशे की सेल्फ लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमारी जो है वो प्लाई बोर्ड की ही सेल्फ यहाँ पर दी गई है तो वो आप देख सकते हैं, दो खाने यहाँ पर बने हुए हैं।
ठीक है, इधर का पूरा एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार फिर से मैं आपको इसका रिव्यू जो है वो करा देता हूँ। इसमें आप जो एक फ्री खाना देख रहे हैं दोस्तों, वो इसलिए होता है कि जैसे आप अपना कोई भी जल्दी से धो करके कोई भी सामान अपना रखते हैं तो वो यहाँ पर बड़ी आसानी से आप जो है वो उठा करके और उसको धो सकते हैं या अपना धुला हुआ सामान जो है रख सकते हैं। आगे मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरीके से एक विंडो यहाँ पर दी गई है इसका मतलब दोस्तों, उसके लाइटिंग के लिए यहाँ पर एक विंडो दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टंकी वगैरह है वो किस तरीके से फिट की गई है। तो कुछ इस तरीके की आप जो टूटी वगैरह है टंकी, आप इस तरीके की आप लगा सकते हैं। देखिए मैं पूरा आपको इसको ऑन करके भी दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तो दोनों बेसिन पे आपके ये दो टंकी जो है वो आ जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो अपने आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से जो है वो लगवा सकते हैं, एक भी लगवा सकते हैं या दोनों भी लगवा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऊपर की तरफ अभी देखिए तो ये आपका एक और यहाँ पर बॉक्स जो है वो बना हुआ है। इसमें आपके तीन खाने यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। ये जो है दोस्तों फ्री खाना दिया गया है जिसमें आपका डोर जो है वो नहीं लगा हुआ है, एज डिमांड ऑन कस्टमर ये बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों कि जब आप अपने कोई धुले हुए बर्तन वगैरह जो रखते हैं या कोई भी सामान आप रखते हैं तो वो यहाँ पर भी आप अपना रख सकते हैं, जिससे कि जो धुले हुए बर्तन हैं जो धुले हुए आपके पॉट्स हैं उनका जो पानी नीचे गिरेगा तो वो आपका नीचे एक ट्रे भी दी गई है, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ क्लोजली, आप देखते रहिए। नीचे की तरफ एक ट्रे दी गई है जिसमें आपका जो पानी है धुले हुए बर्तन का तो वो वहाँ पर इकट्ठा होगा और उसको निकाल करके बड़ी आसानी से निकाल करके आप उस पानी को जो है नीचे डाल सकते हैं और उसके बाद फिर से इस ट्रे को जो है वो वापस लगा सकते हैं। और जब जब भी आप अपनी पॉट्स वगैरह धो करके रखेंगे तो सारा पानी जो है वो इसके नीचे ही आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। और आगे एक और नीचे छोटा सा खाना जो है वो दिया गया है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल क्लोजली, आप देखिए। और इनके डोर्स में भी जो है हिंजिस का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप ड्रॉ को तेज़ी से पुश करेंगे तो वो बहुत आराम आराम से जो है वो बंद होगा, तो ये हिंचेस का ही कमाल है। ठीक है, तो अभी पूरी जो किचन का डिज़ाइन मैं आपको एक बार और राउंड अप करवा देता हूँ दोस्तों। जो किचन हमने बनाई है तो वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किचन जो है वो बनी हुई है, आप इसको देखिए। और दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों प्राइस की अगर हम बात करें तो आपका इस तरीके की अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहते हैं तो आपका 1500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट, 1700 रुपये पर स्क्वायर फुट और 1800-2000 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका जो है वो आ जाता है। वो उसी पर डिपेंड करता है जब आप जो है अपनी जिस देखिए अच्छी क्वालिटी में आप अगर किचन बनवाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके के ही आपका प्राइस जो है वो आ जाता है। तो फाइनल प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है, वो आप अपने एरिया के हिसाब से अपना जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।